नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में महत्वाकांक्षा और लोभ इस वैचारिक निबंध का अंतिम हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित महत्वाकांक्षा और लोभ इस वीडियो, इससे पहले वीडियो में जो कहानी बताई गया है उस कहानी के बारे में हमने पढ़ा है। इस कहानी का जो अंत हुआ है, इस कहानी के अंत को लेकर लेखक ने जो अपने विचार प्रकट किया है उसी पर हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ही मछुआ और मछुवी दोनों फिर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे, यहाँ पर कहानी का अंत हुआ है। वास्तव में यह कहानी पुरानी कही गई है, इसकी घटना भी झूठी हो सकती है, पर इसके माध्यम से लेखक ने हमारी मानवीय भावनाओं को, मानव के मन में जो भी कुछ मनोरथ होता है, जो भी कुछ उसकी इच्छा अभिलाषा होती है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आकांक्षाओं का कभी अंत होता ही नहीं, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, पर मछुए के माध्यम से मछुए के जो भाग्य में परिवर्तन आया उसमें कौन सहानुभूति प्रकट कर सकता है। सभी तो उस मछुए का ही दोष मानने लगते हैं, उसे ही दोष देने लगते हैं। उसके स्त्री को कभी संतोष हुआ ही नहीं, यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति, उसकी यह बुरी स्थिति कभी न होती। यहाँ पर मछुए ने भी अपनी स्त्री को कभी झिड़कारा नहीं, उसे दोषी समझने का प्रयास भी नहीं किया, वह अब तक उसे निर्दोष समझते रहा है। लेखक की दृष्टि से यहाँ पर दोनों भी दोषी हैं। लेखक की दृष्टि से यहाँ पर मछली को वे दोष देना नहीं चाहते, लेकिन लेखक ने मछली को ही दोषी समझा है। थोड़ा बहुत मछली का भी दोष हो सकता है। इस कहानी के दुखद अंत के लिए दोषी कौन है, ऐसा भी स्पष्टीकरण के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, यदि वह पहले से ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुआ उससे शायद किसी भी प्रकार की याचना कर नहीं सकता था। वह उससे मांगने से दूर रह जाता। उसकी पत्नी ने भी जो भी कुछ इच्छा प्रकट की है
उसे वह पहले से ही नकार देता। यदि मछुए की स्त्री में संतोष का गुण अगर होता तो पहले से पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए वह कभी नहीं कहती। मतलब मछुए असंतोषी थी, उसके जीवन में बहुत कुछ कमतरता थी, वह दुखी थी, बुरी स्थिति में थी, इसीलिए तो उसने अपने पति को उस मछली की दैवी शक्ति को जानकर उससे कुछ मांगने के लिए कहा। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह स्पष्ट कर दिया था कि मानो वह मछुए के लिए, उसके उपकार के लिए वह बहुत कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो मछली के शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध हो जाती है और इसी क्रुद्धता में, रुष्टता में उसने उस मछुए को अभिशाप दे बैठी। उसने यह भी नहीं सोचा कि मछुए की वजह से मुझे जिंदगी मिली है, उसने जो उपकार किया है वह बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से उसने उपकार किया है, यह वह मछली भूल गई। मछुए ने यदि उस पर यह उपकार न किया होता, उस पर यदि यह दया दिखाई न होती, तो शायद मछली का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता था। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा कि जा भैया, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, अपनी रानी को तू समझा जा, समझा दे। मछली, इसलिए लेखक ने मछली को दोषी समझने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगर उसने उपकार न किया होता मछुए ने, तो शायद मछली का अस्तित्व समाप्त हो जाता, उसी गड्ढे में वह मर जाती। लेकिन मछुए ने उसे बचाकर उस पर उपकार किया था, बदले में उसने बहुत कुछ उसे भी देने का प्रयास किया था। वह इतना भी कह सकती थी कि जा भैया, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकती, तू जाकर अपने पत्नी को, अपनी रानी को समझा भी सकता है। यहाँ पर हम सभी लोग अपने जीवन से यह भूल जाते हैं। देखिए लेखक बताते हैं, हम यहाँ पर यह एक बात भूल जाते हैं कि हम लोग अपने दोषों को छुपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। यह मानवीय भाव है, यह मानवीय स्वभाव है। एक मनुष्य की आदत है कि वह कभी भी अपने दोषों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता, अपने दोषों को वह छिपाता है और दूसरों पर दोषारोपण करने लगाता है, दूसरों पर वह उंगली उठाता है। वैसे भी हम दूसरों के कामों को कभी महत्व नहीं देते, उन्हें महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देने का प्रयास करते हैं। जो भी कुछ काम किया जाता है वास्तव में सहकार्य के भावना से एक दो मिलकर किए जाते हैं, लेकिन हर मनुष्य यह सोचता है मानवीय स्वभाव के अनुसार कि वह अपने ही कर्म को, अपने ही कामों को महत्व देता है और दूसरों पर दोष, दूसरों के कामों को वह महत्व देने के लिए तैयार नहीं रहता। हम निसंकोच यह कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारे लिए क्या सेवा की है, उससे हमें क्या लाभ हुआ है, यह कभी हम बताने का प्रयास नहीं करते। हम दूसरों, अपने ही कामों को, अपने ही कामों की महत्ता बताते हैं,
और उसके सामने प्रकट करने लगते हैं। सच तो यह है, उपकार और सेवा एक बात है, लेन देन वास्तव में दूसरी बात होती है। मछुए के स्त्री ने जो कुछ किया शायद वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं जब तक कोई वस्तु हमें अप्राप्य रहती है, हमारे पास नहीं होती, तब तक उसके लिए हम व्यग्र हो जाते हैं। वह कब वस्तु हमारे पास आए यह चाहते हैं। जैसे ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उस वस्तु से, उस चीज से विरक्ति हो जाती है, उदासीनता आ जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्रत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लेखक असंतोषी भाव को यहाँ पर प्रकट करना चाहता है। विद्यार्थी मित्रों, फिर एक बार सुनिए, कहानी का अंत दुखद हो गया है। कैसे? कहानी के ऐसे अंत के लिए मछुआ और मछुई दोनों ही दोषी हैं। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मछली मछुए की अच्छी मित्र बन गई थी। मछुए द्वारा घर की इच्छा व्यक्त करने पर उसने उन्हें एक अच्छा सा घर भी दे दिया था, उसके बाद धन भी दे दिया, क्योंकि घर चलाने के लिए धन आवश्यक होता है। लेकिन मछुए की इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं रही। अब उसके मन में राजकीय वैभव, नौकर चाकर की इच्छा जागने लगी। मछली ने वह भी इच्छा उनके लिए पूरी कर दी, पर इसके बाद तो मछुई ने सारी सीमा ही तोड़ दी। उसके मन में लालसा जागी। सूर्य, चंद्र, मेघ सभी उसकी आज्ञा का पालन करें। अब मछली का क्रुद्ध होना, वह रुष्ट होना स्वाभाविक ही था, उचित था। यह कैसे संभव हो सकता है? उसने अपने सारे वरदान वापस एक झटके के साथ ले लिए। ऐसी परिस्थिति के लिए मछुआ भी कम दोषी नहीं है। उसकी पत्नी बार बार उचित अनुचित इच्छाएं प्रकट करती रही और वह मूर्खों की तरह अपनी मित्र मछली के पास ऐसी इच्छाएं लेकर जाते रहा। मछुए ने एक बार भी अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास नहीं किया। अगर वह अपनी पत्नी को समझाता, उसे रोकता, उन्हें फिर से टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता। इस प्रकार से लेखक ने एक ओर पति पत्नी को, दूसरी ओर मछली को भी दोषी समझने का विचार हमारे सामने रखा है। अतएव मछुए की स्त्री ने जो भी कुछ किया वह मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल ही किया था, और मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया था। मछली के पास दैवी शक्ति थी, चाहती तो वह कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए वह उसे सहयोग देकर उस पर भी उपकार कर सकती थी। लेकिन आज मछली ने दैवी स्वभाव के विरुद्ध काम किया है। उसे तो मछुए पर दया भी करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता, लेखक कहते हैं, यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, हे देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी।
मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से कर दिया था, अपनी स्त्री के कहने पर मुझको तुमको देवी समझकर मैंने तुम्हारे सामने याचना की, तुमने भी मेरी याचना स्वीकार कर ली। तुमने क्या मेरी स्त्री के मन में ऐसे अभिलाषा नहीं पैदा की? चाहे तो तू उसके मन को संतोष कर सकती थी, उसके मन की अभिलाषाओं को, उसकी इच्छा को तू दबा सकती थी। शायद तूने ही मेरी पत्नी के मन में ऐसा असंतोषी रूप उसकी अभिलाषा को जगाने का प्रयास किया है। क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी? तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न होती रही। तुम्हारे ही कारण उसके मन में ऐसी अभिलाषाएं निर्माण होती रही। तुमने उसको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा था, विश्वास था, तभी तो वह ऐसी इच्छाएं प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव था। उसे पता नहीं था अब तक तुम्हारे सामने जो भी इच्छाएं प्रकट होती रही, जिसे तुमने पूरा करने का प्रयास किया। अगर तुम्हारे पास असंभवता थी, तुम उसे पूरा कर नहीं सकती थी, तो ऐसा वरदान तो तुमने क्यों दिया? उसे भी विश्वास था कि शायद यह भी हो पाएगा, इसीलिए तो तुमने उसके मन में ऐसी अभिलाषा जाग गई। तुमने जो कुछ दिया सब इसी एक अपराध के कारण तुमने उसे वापस कैसे ले लिया? अपराध तो होते रहते हैं। एक अपराध की सजा इतनी बड़ी हो नहीं सकती कि एक टूटी फूटी झोपड़ी से जिसे राजा बनाया है, रानी बना दिया है, और उसके बाद तुरंत पल भर में, क्षण भर में तुम उसे भिक्षुक बना सकती हो। तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो सकता है? तुमने जो कुछ वरदान दिए थे, इस एक अभिशाप की वजह से वह इतना बुरा परिणाम कैसे दिखा सकता है? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर अपना यह काम करना चाहिए था। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी पत्नी की स्थिति क्या है। अगर तुमने इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो थोड़ा सा तुम्हें सोचना भी चाहिए था कि इस प्रकार से उसे भिक्षुक बना देना। तुम भले ही देवी हो, लेकिन तुम में वह त्याग नहीं है, वह प्रेम नहीं है, वह उपकार की भावना नहीं है, वह क्षमा की भावना नहीं है, वह दया की भावना नहीं है। अंत में लेखक ने स्पष्ट किया है कि भले ही ईश्वर दाता है, ईश्वर ईश्वर है, देवी देवी है, पर वह त्याग की भावना, जिस प्रकार की त्याग की भावना एक मानव में होती है, जिस प्रकार की प्रेम की भावना एक मनुष्य में होती है, उपकार की भावना होती है, क्षमा दया की भावना होती है, शायद देवी देवताओं में इस प्रकार की भावनाएं नहीं होती, इसीलिए तुमने क्रुद्ध होकर, रुष्ट होकर ऐसा अभिशाप दे दिया है। तो प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने मानवीय भावों को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे संतोष है, उपकार है, कृतज्ञता है, दया है। मछुआ और मछुई अपने अभावग्रस्त जीवन में वैसे भी पहले से ही संतुष्ट थे। उनके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, लालसा नहीं थी, वे बड़े संतोषी थे। एक मछली के कहने पर परोपकारी मछुए ने उसे पानी के छोटे से गड्ढे से निकालकर
नदी में पहुंचा दिया, यह मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार है, यह मनुष्य के मन में बहुत बड़ा प्रेम है, दया है, क्षमा है। मछुए के मन में तनिक भी उस समय स्वार्थ नहीं था, उसने निस्वार्थ भाव से उसे जल में ले जाकर छोड़ दिया था। मछुए की पत्नी के कहने पर मछली ने उन्हें घर दिया, धन दौलत दी, महल दिया, राजकीय वैभव भी दिया, सब कुछ दे दिया। किसके कहने के अनुसार? मछुए की पत्नी के कहने के अनुसार मछुआ उस मछली से मांगते रहा, जिसे मछली पूरा करती रही। यह मछुआ दंपति के प्रति मछली की दया और कृतज्ञता ही थी। देखिए, वास्तव में मछली ने शुरू में बहुत कुछ दया दिखाई, उस पर भी उपकार किया, कृतज्ञता दिखाई। कृतज्ञता एक दैवी गुण है, जिसने हमें सहायता पहुंचाई हो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए, यही कृतज्ञता कही जाती है। बहुत से लोग आवश्यकता के समय चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं, तो काम पूरा होने के बाद फिर से वह मुंह फेर लेते हैं। इस प्रकार से फिर से मुंह फेर लेना यह कृतज्ञता का ही लक्षण है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी अपने जीवन में सुखी नहीं होता, जो उस यह बहुत बड़ी कृतज्ञता कही जाती है। जो उसकी मदद करता है वह उन्हीं का बुरा सोचने लगता है, कृतज्ञ व्यक्ति। यह एक चोर प्रवृत्ति कहेंगे तो भी चल सकता है। मानव का दूसरा बड़ा गुण है, दूसरा बड़ा अवगुण है, दुर्गुण है, असंतोष। आज का मनुष्य संतुष्ट होना ही नहीं चाहता, तृप्त होना ही नहीं चाहता। एक समय था मनुष्य की जरूरतें अत्यंत सीमित थी, जितना उसे मिल पाता था उसी में वह संतोष कर लेता था। परंतु आज जितना भी मिल जाए वह कम ही लगता है, और अधिक पाने की चाह में हमें प्राप्त वस्तुओं का भी आनंद नहीं मिल पाता। यही इस कहानी के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने मानवीय भावनाओं को समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में महत्वाकांक्षा और लोभ पाठ का सारांश भावार्थ हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आपको यह पाठ, यह निबंध समझ में आया होगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो फिर इसे दोबारा सुनकर समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।